घर पर हो, बाहर हो, सड़क पे हो, बस में हो, ट्रेन में हो, हवाई जहाज में हो, किसी को चोट लग जाती है, कोई स्नेक बाइट हो, कोई हार्ट अटैक हो जाए, कोई सडनली कोलैप्स कर जाता है, तो उस सिचुएशन में उनको पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है। मरीज को एक साइड में लिटाना है, कपड़े लूज करने हैं, अगर हॉस्पिटल ले जाना है तो स्ट्रेचर पे ले जाना है, जैसी सिचुएशन बेसिक कर पाए और उसको जल्दी से जल्द करके या जो हमारी एम्बुलेंस बुला के उसको हॉस्पिटल। सर अभी लोगों को खतरा होता है कि अगर हम किसी एक्सीडेंट पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो हमारे पे ब्लेम आ जाएगा, उनके परिजनों का या दिल्ली पुलिस का, हमने कुछ ऐसा हादसा किया, वो उनसे पूछताछ करती है। हाँ देखो, मैं लीगल पर्सन नहीं हूँ, पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि पुलिस अननेसेसरी किसी को हरास नहीं करेगी, और आप बिल्कुल ले जाइए सेफली, अगर हरास करती है तो उनको कहिए कि आप इस कानून के दायरे में आप हमें हरास नहीं कर सकते। हम जो अपनी सामाजिक जिम्मेवारी है उससे दूर भाग रहे हैं और हम अपनी कॉन्शियस को किल कर रहे हैं, मैं तो यही एक वर्ड में कहूँगा। सर ये जो भी आपने हॉस्पिटल में किया है, इसके सोसाइटी में आप कैसा जाना चाहोगे, जो अवेयरनेस जिससे हाई लोगों के बीच? देखो सोसाइटी में जाने के दो ही रास्ते होते हैं, एक प्रिंट मीडिया, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो आप जो सब खड़े हैं, जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप बेस्ट मैसेंजर हैं, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए कि आप सोसाइटी में इसको कैसे अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए। आज जो सर वर्कशॉप में सिखाया गया सबको, आज जो वर्कशॉप में सिखाया गया कि किस तरह से जान बचाया जाता है, तो कितने देर लोग आज जो भी सीखे तो दिमाग में रख पाएंगे या नीचे जाके भूल जाएंगे? देखिए ये तो लोग तो बहुत अटेंटिव थे, ध्यान से सुन रहे थे, एनकरेज करने के लिए हम उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया और उनसे पूछा भी था कि आपको कितना एडवांटेज हुआ, तो सब ने हाथ रेज किए थे, एटलीस्ट 50-60% एडवांटेज हुआ। अगर इतना किसी कॉन्फ्रेंस में होता है या वर्कशॉप में, ये बहुत बड़ी सक्सेस। को एक बार इस वर्कशॉप के बारे में जो जो यहाँ पे आए हैं उनको क्या कहना चाहोगे? कि हम ये कहना चाहेंगे हम ऐसी वर्कशॉप करते रहेंगे और ये और इंस्टीट्यूशन भी हमें होनी चाहिए, और इससे ज़्यादा बड़े हम कैंप लगाएंगे जिसमें कि अभी तो 101 लोग आए थे, और ज़्यादा लोग अटेंड कर पाए और आगे जाकर स्प्रेड करें। और आपने सीखा जैसे आप अपने जो भी मीडिया उस पर दिखाइए, लोगों को दिखाइए। तो अगला 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 कहाँ पे कुछ होने वाला है कुछ कुछ सर, इसके आपकी नेक्स्ट रेनी सीजन में लास्ट में मैंने कहा ना स्वच्छता, सब मेरे साथ एक ओथ ले कि आप अपने आप को साफ रखेंगे, अपने घर को, अपने एनवायरमेंट को, अपने स्कूल को, कॉलेज को, हॉस्पिटल को, ये नहीं करें ब्लड टेस्ट कराया स्वाब वहाँ फेंक दिए, जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, अगर कोई मरीज फेंक देता है आप जा रहे हैं वहाँ से, तो ये आपका भी फर्ज है उसको उठा के डस्टबिन में फेंक दे और फिर हाथ धो ले। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, रेप की बड़ी बड़ी जो अभी बात आती है सामने आई है, इसको लेके क्या विषय उठाओगे? रेप की सर, सॉरी सर, आई एम नोबडी। सर आपने लाइफ सेविंग के लिए इतना बढ़िया इवेंट किया, लाइफ सेविंग के लिए किया है, तो फर्स्ट एड होगी वो हम देंगे अपने, जो कोई कमेंट नहीं। सर अगला कदम क्या होगा आप लोगों का इस अवेयरनेस को आगे बढ़ाने के? बड़ी मीटिंग्स करेंगे, मीटिंग और उसमें फिर जो ये लोग आए हैं ऐसे पूछेंगे इनसे, जो कुछ क्वेश्चन दे देंगे, फिर आपने कितना सीखा बताइए, या जैसे इन्होंने हैंड्स ऑन किया तो इनसे कराया कि कार्डिक मसाज कैसे करते हैं, मुंह से सांस कैसे देना, वो सिखाया सभी। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू।